गौतम बुद्ध नगर की यमुना अथॉरिटी काम और दाम दोनों में सफलता के नए रिकॉर्ड बना रही है। 4 जनवरी 2022 को यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले किए गए हैं और कई बड़े आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 4 जनवरी को यमुना प्राधिकरण की जो बोर्ड बैठक हुई वो 72वीं थी। अथॉरिटी बोर्ड के चेयरमैन अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार और अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 41 प्रपोजल रखे गए। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार से मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। ये मेडिकल डिवाइस पार्क 350 एकड़ एरिया में होगा। इस पार्क के बन जाने से मेडिकल से जुड़े हुए MRI और CT स्कैन मशीन जैसे बड़े बड़े उपकरण अब भारत में बनेंगे। उत्तर प्रदेश में इस मेडिकल डिवाइस पार्क में इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी। अथॉरिटी के बोर्ड से डेटा पार्क की मंजूरी भी मिल गई है। बैठक में बताया गया है कि यूपी पावर कॉरपोरेशन यहां 3 पावर स्टेशन बना रही है, जिनसे अब आने वाले समय में बिजली की किल्लत नहीं होगी। पावर स्टेशन के लिए फंडिंग यमुना अथॉरिटी कर रही है। इन पावर स्टेशन से इतनी बिजली की व्यवस्था हो जाएगी कि आने वाले 35 से 40 साल तक यमुना अथॉरिटी के सेक्टर्स में बिजली की कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा बैठक से यह भी पता चला है कि अथॉरिटी के मूल अलॉटीज के पक्ष में अब सभी ब्लड रिलेशन वाले लोग भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लीज डीड करवाने के लिए लोगों को विदेशों से आने की जरूरत नहीं है। लीज डीड करवाने की योजना अब बगैर किसी पेनल्टी के 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। सभी आवंटियों के लिए यह योजना लागू की गई है। इसका फायदा 38,000 अलॉटीज को मिलेगा। जेवर एरिया में अपराध रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस को 6 पेट्रोलिंग गाड़ियां देने का फैसला किया गया है। इन वाहनों से यमुना एक्सप्रेसवे पर जीरो पॉइंट से लेकर जेवर टोल प्लाजा तक लगातार पेट्रोलिंग हो सकेगी। एक्सप्रेसवे पर सिक्योरिटी के इंतजाम करने से एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में यह भी बताया गया कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो कमाई हुई है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 169% ज्यादा है। अथॉरिटी को इस साल 2120 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, जबकि खर्चा हुआ है 1474 करोड़ रुपए।